नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की लोकप्रिय उपन्यास रंगभूमि का 43वां भाग। इस तरह एक साल गुजर गया। सोफिया विनय को जलपान कराकर अंगीठी के सामने बैठी एक किताब देख रही थी। कभी मार्मिक स्थलों पर पेंसिल से क्रॉस निशान करती, कभी प्रश्न चिन्ह बनाती, कहीं लकीरें खींचती। विनय को शंका हो रही थी कि कहीं वह तल्लीनता प्रेम शैथिल्य का लक्षण तो नहीं है, पढ़ने में ऐसी मग्न है कि ताकती तक नहीं। कपड़े पहन बाहर जाना चाहते थे, ठंडी हवा चल रही थी, जाड़े के कपड़े थे ही नहीं, कंबल काफी न था। अलसा कर अंगीठी के पास आए और माची पर बैठ गए। सोफिया की आंखें किताबों पर गरी थी। विनय की लालसा युक्त दृष्टि अवसर पाकर निर्विघ्न रूप से उसके रूप लावण्य की छटा देखने लगी। सहसा सोफिया ने सिर उठाया तो विनय को सचेष्ट नेत्रों से अपनी ओर ताकते पाया। लजाकर आंखें नीची कर ली और बोली, आज तो बड़ी सर्दी है, कहाँ जाओगे? बैठो, तुम्हें इस पुस्तक के कुछ भाग सुनाऊं। बहुत ही सुपाठ्य पुस्तक है। यह कहकर उसने आंगन की ओर देखा। भीलनी गायब थी, शायद लकड़ी बटोरने चली गई थी। अब 10 बजे से पहले ना आएगी। सोफिया कुछ चिंतित सी हो गई। विनय ने उत्सुकता के साथ कहा, नहीं सोफी, आज कहीं ना जाऊंगा, तुमसे कुछ बातें करने को जी चाहता है। किताब बंद करके रख दो, तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे बातें करने को तरसता रहता हूं। यह कहकर उन्होंने सोफिया के हाथों से किताब छीन लेने की चेष्टा की। सोफिया किताब को दृढ़ता से पकड़कर बोली, ठहरो ठहरो, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। बैठो, इस फ्रेंच फिलोसोफर के विचार सुनाओ। देखो उसने कितनी विशाल हृदयता से धार्मिक निरूपण किया है। विनय, नहीं, आज 10 मिनट के लिए तुम इस फिलोसोफर से अवकाश मांग लो और मेरी ये बातें सुन लो जो किसी पिंजरबद्ध पक्षी की भांति बाहर निकलने के लिए तड़फड़ा रही है। आखिर मेरे इस वनवास की कोई अवधि है या सदैव जीवन के सुख स्वप्न ही देखता रहूंगा? सोफिया, इस लेखक के विचार उस जवाब से कहीं मनोरंजक है जो मैं तुम्हें दे सकती हूं। मुझे इन पर कई शंकाएं हैं, संभव है विचार परिवर्तन से उनकी निवृत्ति हो जाए। विनय, नहीं, यह किताब बंद करके रख दो, आज मैं सफर के लिए कमर कसकर आया हूं। आज तुमसे वचन लिए बिना तुम्हारा दामन न छोड़ूंगा। क्या अब भी मेरी परीक्षा कर रही हो? सोफिया ने किताब बंद करके रख दी और प्रेम गंभीर भाव से बोली, मैंने तो अपने को तुम्हारे चरणों पर डाल दिया है, अब और मुझसे क्या चाहते हो? विनय, अगर मैं देवता होता तो तुम्हारी प्रेमोपासना से संतुष्ट हो जाता, लेकिन मैं भी तो इच्छाओं का दास हूं, क्षुद्र मनुष्य हूं। मैंने जो कुछ पाया है उससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं, सब चाहता हूं। क्या अब भी तुम मेरा आशय नहीं समझी? मैं पक्षी को अपनी मुंडेर पर बैठे देखकर संतुष्ट नहीं, उसे अपने पिंजरे में जाते देखना चाहता हूं। क्या और भी स्पष्ट रूप से कहूं? मैं सर्वभोगी हूं, केवल सुगंध से मेरी तृप्ति नहीं होती। सोफिया, विनय, तुम अभी विवश न करो, मैं तुम्हारी हूं। इस वक्त यह बात जितने शुद्ध भाव और निष्कपट हृदय से कह रही हूं उससे अधिक किसी मंदिर में, कलिसा में या हवन कुंड के सामने नहीं कह सकती। जिस समय मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया था उस समय भी तुम्हारी थी, लेकिन क्षमा करना, मैं कभी ऐसा कर्म ना करूंगी जिससे तुम्हारा अपमान, तुम्हारी अप्रतिष्ठा, तुम्हारी निंदा हो। मेरा यह संयम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। आत्मिक मिलाप के लिए कोई बाधा नहीं होती, पर सामाजिक संस्कारों के लिए अपने संबंधियों और समाज के नियमों की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा वे लज्जास्पद हो जाते हैं। मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा न करेगी अगर मेरे कारण तुम अपने माता पिता, विशेषतः अपनी पूज्य माता के कोप भाजन बनो और वे मेरे साथ तुम्हें भी कुल कलंक समझने लगे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस अवज्ञा के लिए रानी जी तुम्हें और विशेषकर मुझे क्या दंड देंगी। वह सती हैं, देवी हैं, उनका क्रोध न जाने क्या अनर्थ करे। मैं उनकी दृष्टि में कितनी पतित हूं इसका मुझे अनुभव हो चुका है, और तुम्हें भी उन्होंने कठोर से कठोर दंड दे दिया जो उनके वश में था। ऐसी दशा में जब उन्हें ज्ञात होगा कि मैं
और तुम केवल प्रेम के सूत्र में नहीं संस्कारों के सूत्र में बंधे हुए हैं, तो आश्चर्य नहीं है कि वो क्रोधावेश में आत्महत्या कर लें। संभव है इस समय तुम उन समस्त विघ्न बाधाओं को अंगीकार करने को तैयार हो जाओ, लेकिन मैं बाह्य संस्कारों को इतने महत्व की वस्तु नहीं समझती। विनय ने उदास होकर कहा, सोफी, इसका आशय इसके सिवा और क्या है कि मेरा जीवन सुख स्वप्न देखने में ही कट जाए? सोफी, नहीं विनय, मैं इतनी हताश नहीं हूं। मुझे अब भी आशा है कि कभी न कभी रानी जी से तुम्हारा और अपना अपराध क्षमा करा लूंगी, और तब उनके आशीर्वादों के साथ हम दाम्पत्य जीवन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। रानी जी की कृपा और अकृपा दोनों ही सीमागत रहती हैं। एक सीमा का अनुभव हम कर चुके हैं, ईश्वर ने चाहा तो दूसरा सीमा भी जल्द अनुभव होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करती हूँ कि अब इस प्रसंग को फिर मत उठाना, अन्यथा मुझे दूसरा रक्षा स्थान खोजना पड़ेगा। विनय ने धीरे से कहा, वह दिन कब आएगा जब या तो अम्मा जी ना होंगी या मैं ना रहूंगा। तब उन्होंने कंबल ओढ़ा, हाथ में लकड़ी ली और बाहर चले गए, जैसे किसी किसान महाजन को फटकार सुनाकर उसके घर से बाहर निकले। फिर पूर्वतः दिन कटने लगे। विनय बहुत मलिन और खिन्न रहते, यथासंभव घर से बाहर ही विचरा करते, आते भी तो भोजन करके चले जाते, कहीं जाना ना होता तो नदी के तट पर जा बैठते और घंटों जल क्रीड़ा देखते रहते, कभी कागज की नावें बनाकर उसमें तैराते और उनके पीछे पीछे वहां तक जाते जहां वे जलमग्न हो जाती। उन्हें अब भ्रम होने लगा था कि सोफिया को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है, वह मुझसे प्रेम करती है लेकिन मेरे नैतिक बल पर उसे संदेह है। एक दिन वह नदी किनारे बैठे हुए थे कि बुढ़िया भीलनी पानी भरने आई। उन्हें वहां बैठे देखकर उसने घड़ा रख दिया और बोली, क्यों मालिक, तुम यहां अकेले क्यों बैठे हो? घर में मालकिन घबराती ना होंगी? मैं उन्हें बहुत रोते देखा करती हूँ, क्या तुमने उन्हें कुछ कहा है? क्या बात है, कभी तुम दोनों को बैठकर हंसते बोलते नहीं देखा। विनय ने कहा, क्या करूँ माता, उन्हें यही तो बीमारी है कि मुझसे रूठती रहती हैं, बरसों से उन्हें यही बीमारी हो गई है। भीलनी, तो बेटा इसका उपाय मैं कर दूंगी, ऐसी जड़ी दे दूं कि तुम्हारे बिना उन्हें छिन भर भी चैन ना आए। विनय, क्या ऐसी जड़ी भी होती है? बुढ़िया ने सरल विज्ञता से कहा, बेटा जड़ियां तो ऐसी ऐसी होती हैं कि चाहे आग बांध लो, पानी बांध लो, मुर्दे को जला दो, मुदई को घर बैठे मार डालो। हाँ, जानना चाहिए, तुम्हारा भील बड़ा गुणी था, राजा के दरबार में आया जाया करता था, उसी ने मुझे दो चार बूटियां बता दी थी। बेटा, एक एक बूटी एक एक लाख को सस्ती है। विनय, तो मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? भीलनी, नहीं बेटा, तुमसे मैं क्या लूंगी, तुम विश्वनाथपुरी के निवासी हो, तुम्हारे दर्शन पा गई यही मेरे लिए बहुत है, वहां जाकर मेरे लिए थोड़ा सा गंगा जल भेज देना, बुढ़िया तर जाएगी, तुमने मुझसे पहले ना कहा, नहीं तो मैंने वह जड़ी तुम्हें दे दी होती। तुम्हारी अनबन देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। संध्या समय जब सोफिया बैठी भोजन बना रही थी, भीलनी ने एक जड़ी लाकर विनय सिंह को दी और बोली, बेटा बड़े जतन से रखना, लाख रुपए दोगे तब भी न मिलेगी, अब तो यह विद्या ही उठ गई, इसको अपने लहू में 15 दिन तक रोज भिगोकर सुखाओ, तब इसमें से एक एक पत्ती काटकर मालकिन को धुनी दो, 15 दिन के बाद जो बच रहे वह उनके जूड़े में बांध दो, देखो क्या होता है, भगवान चाहेंगे तो तुम आप उनसे उबने लगोगे, वो परछाई की भांति तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी। फिर उसने विनय के कान में एक मंत्र बताया जो कई निरर्थक शब्दों का संग्रह था, और कहा कि जड़ी को लहू में डुबोते समय यह मंत्र 5 बार पढ़कर जड़ी पर फूंक देना। विनय सिंह मिथ्यावादी न थे, मंत्र तंत्र पर उनका अणुमात्र भी विश्वास न था, लेकिन सुनी सुनाई बातों से उन्हें यह मालूम था कि निम्न जातियों में ऐसे तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा प्रचार है और कभी कभी इनका विस्मयजनक फल भी होता है। उनका अनुमान था कि क्रियाओं में स्वयं कोई शक्ति नहीं,
अगर कुछ फल होता है तो वह मूर्खों के दुर्बल मस्तिष्क के कारण। शिक्षित पर जो प्रायः शंकावादी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, भला इनका क्या असर हो सकता है? तो भी उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्हें उससे किसी फल की आशा न थी, केवल उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन कहीं सचमुच इस जड़ी में कुछ चमत्कार हो तो फिर क्या पूछना? इस कल्पना ही से उनका हृदय पुलकित हो उठा। सोफिया मेरी हो जाएगी, तब उसके प्रेम में और ही बात होगी। ज्यों ही मंगल का दिन आया, वह नदी पर गए, स्नान किया और चाकू से अपनी एक उंगली काटकर उसके रक्त में जड़ी को भिगोया और तब उसे एक ऊंची चट्टान पर पत्थरों से ढककर रखा। 15 दिन तक लगातार यही क्रिया करते रहे। ठंड ऐसी पड़ती थी कि हाथ पांव गले जाते थे, बर्तनों में पानी जम जाता था, लेकिन विनय नित्य स्नान करने जाते। सोफिया ने उन्हें इतना कर्मनिष्ठ ना देखा था। कहती, इतनी सवेरे ना नहाओ, कहीं सर्दी ना लग जाए। जंगली आदमी भी दिन भर अंगीठी जलाए बैठे रहते हैं, बाहर मुंह नहीं निकाला जाता, जरा धूप निकल आने दिया करो। लेकिन विनय मुस्कुरा कर कह देते, बीमार पड़ूंगा तो कम से कम तुम मेरे पास बैठोगी तो। उनकी कई उंगलियों में घाव हो गए, पर वह इन घावों को छुपाए रहते थे। इन दिनों विनय की दृष्टि सोफिया की एक एक बात, एक एक गति पर लगी रहती थी। वह देखना चाहते थे कि मेरी क्रिया का कुछ असर हो रहा है या नहीं, किंतु कोई प्रत्यक्ष फल न दिखाई देता था। 15वें दिन जाकर उन्हें सोफिया के व्यवहार में कुछ थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया। शायद किसी और समय उनका इस बात पर ध्यान न जाता, लेकिन आजकल तो उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई थी। जब घर से बाहर जाने लगते तो सोफिया अज्ञात भाव से निकल आई और कई फरलांग तक उनसे बातें करती हुई चली गई। जब विनय ने बहुत आग्रह किया तब लौटी। विनय ने समझा, यह उसी क्रिया का असर है। आज से धुनी देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विनय बहुत चिंतित थे, वह क्रिया क्यों कर पूरी होगी? अकेले सोफी के कमरे में जाना सभ्यता, सज्जनता और शिष्टता के विरुद्ध है। कहीं सोफी जाग जाए और मुझे देख ले तो मुझे कितना नीच समझेगी, कदाचित सदैव के लिए मुझे घृणा करने लगे। ना भी जागे तो भी यह कौन सा भलमनसी है कि कोई आदमी किसी युवती के कमरे में प्रवेश करे? न जाने किस दशा में लेटी होगी। संभव है केश खुले हों, वस्त्र हट गया हो। उस समय मेरी मनोवृत्ति कितनी कुचेष्ट हो जाएगी, मेरा कितना नैतिक पतन हो गया है। सारे दिन वह इन्हीं अशांतिमय विचारों में परे रहे। लेकिन संध्या होते ही वह कुम्हार के घर से एक कच्चा प्याला लाए और उसे हिफाजत से रख दिया। मानव चरित्र की एक विचित्रता यह है कि हम बहुधा ऐसे काम कर डालते हैं जिन्हें करने की इच्छा हमें नहीं होती। कोई गुप्त प्रेरणा हमें इच्छा के विरुद्ध ले जाती है। आधी रात हुई तो विनय प्याली में आग और हाथ में वह रक्त सिंचित जड़ी लिए हुए सोफी के कोठरी के द्वार पर आए। कंबल का पर्दा पड़ा हुआ था, झोपड़े में किवार कहाँ। कंबल के पास खड़े होकर कान लगाकर सुना। सोफी मीठी नींद ले रही थी, वह थर थर कांपते पसीने से तर अंदर घुसे। दीपक के मध्य प्रकाश में सोफी निद्रा में मग्न लेटी हुई ऐसी मालूम होती थी मानो मस्तिष्क में मधुर कल्पना विश्राम कर रही हो। विनय के हृदय पर आतंक सा छा गया। कई मिनट तक मंत्र मुग्ध से खड़े रहे, पर अपने को संभाले हुए मानो किसी देवी के मंदिर में हो। उन्नत हृदयों में सौंदर्य उपासना भाव को जागृत कर देता है, वासनाएं विश्रांत हो जाती हैं। विनय कुछ देर तक सोफी को भक्ति भाव से देखते रहे, तब वह धीरे से बैठ गए, प्याली में जड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर रख दिया और उसे सोफी के सिरहाने की ओर खिसका दिया। एक क्षण में जड़ी की सुगंध से सारा कमरा बस उठा। उद और अंबर में वह सुगंध कहाँ? धुएं में कुछ ऐसी उद्विग्न शक्ति थी कि विनय का चित्त चंचल हो उठा। ज्यों ही धुआं बंद हुआ, विनय ने प्याली से जड़ी की राख निकाली, भीलनी के आदेशानुसार उसे सोफिया पर छिड़क दिया और बाहर निकल आए। लेकिन अपनी कोठरी में जाकर वह घंटों बैठे पश्चाताप करते रहे, बार बार अपने नैतिक भावों को चोट पहुंचाने की चेष्टा की। इस कृत्य को विश्वासघात, सतीत्व हत्या कहकर मन में घृणा का संचार करना चाहा।
सोते वक्त निश्चय किया कि बस इस क्रिया का आज से अंत है। दूसरे दिन दिन भर उनका हृदय खिन्न मलिन और उद्विग्न रहा। ज्यो ज्यो रात निकट आती थी उन्हें शंका हो जाती थी कि कहीं मैं फिर यह क्रिया न करने लगूं। दो तीन भीलों को बुलाए लाए और उन्हें अपने पास सुलाया। भोजन करने में बड़ी देर की जिससे चारपाई पर पड़ते ही पड़ते नींद आ जाए। जब भोजन करके उठे तो सोफी आकर उनके पास बैठ गई। यह पहला ही अवसर था कि वह रात को उनके पास बैठी बातें करती रही। आज के समाचार पत्रों में प्रभु सेवक की पूना में दी गई वक्तृता प्रकाशित हुई थी। सोफी ने इसे उच्च स्वर में पढ़ा। गर्व से उनका सिर ऊंचा हो गया। बोली, देखो कितना विलासप्रिय आदमी था जिसे सदैव अच्छे वस्त्रों और अन्य सुख सामग्रियों की धुन सवार रहती थी। उसकी कितनी काया पलट हुई है। मैं समझती थी इससे कभी कुछ न होगा, आत्मसेवन में ही इसका जीवन व्यतीत होगा। मानव हृदय के रहस्य कितने दुर्बोध होते हैं, उसका यह त्याग और अनुराग देखकर आश्चर्य होता है। विनय, जब प्रभु सेवक इस संस्था के कर्णधार हो गए तो मुझे कोई चिंता नहीं। डॉक्टर गांगुली उसे दवा बांटने वालों की मंडली बनाकर छोड़ते। पिताजी पर मेरा विश्वास नहीं और इंद्रदत्त तो बिल्कुल उज्जड़ है। प्रभु सेवक से ज्यादा योग्य पुरुष न मिल सकता था। वह यहाँ होते तो बलाएं लेता। यह दैवी सहायता है और अब मुझे आशा होती है कि हमारी साधना निष्फल न होगी। भीलों के खर्राटों की आवाजें आने लगी। सोफी चलने को उठी तो उसने विनय को ऐसी चितवनों से देखा जिसमें प्रेम के सिवा और भी कुछ था। आर्द्र आकांक्षा झलक रही थी। एक आकर्षण था जिसने विनय को सिर से पैर तक हिला दिया। जब वह चली गई तो उन्होंने एक पुस्तक उठा ली और पढ़ने लगे। लेकिन ज्यो ज्यो क्रिया का समय आता था उनका दिल बैठा जाता था। ऐसा जान पड़ता था जैसे कोई जबरदस्ती उन्हें ठेल रहा है। जब उन्हें यकीन हो गया कि सोफिया सो गई होगी तो वह धीरे से उठे, प्याली में आग ली और चले। आज वह कल से भी ज्यादा भयभीत हो रहे थे। एक बार जी में आया कि प्याली को पटक दूं, लेकिन इसके एक ही क्षण उन्होंने सोफी के कमरे में कदम रखा। आज उन्होंने आंखें ऊपर उठाई ही नहीं, सिर नीचा किए धुनी सुलगाई और राख छिड़क कर चले गए। चलती बार उन्होंने सोफिया का मुख चंद्र देखा। ऐसा भासित हुआ कि वह मुस्कुरा रही है। कलेजा धक से हो गया, सारे शरीर में सनसनी दौड़ गई। ईश्वर, अब लाज तुम्हारे हाथ में है, इसने देख न लिया हो। विद्युत गति से अपनी कोठरी में आए, दीपक बुझा दिया और चारपाई पर गिर पड़े। घंटों कलेजा धड़कता रहा। इस भांति 5 दिनों तक विनय ने बड़ी कठिनाइयों से यह साधना की और इतने ही दिनों में उन्हें सोफिया पर इसका असर साफ नजर आने लगा। यहां तक कि 5वें दिन वह दोपहर तक उसके साथ भीलों की झोपड़ियों की सैर करती रही। उसके नेत्रों में गंभीर चिंता की जगह अब एक लालसा पूर्ण चंचलता छलकती थी और अधरों पर मधुर हास्य की आभा। आज रात को भोजन के उपरांत वह उनके पास बैठकर समाचार पत्र पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसने अपना सिर विनय की गोद में रख दिया और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, सच बताओ विनय, एक बात तुमसे पूछूं, बताओगे ना? सच बताना, तुम यह तो नहीं चाहते कि यह बला सिर से टल जाए? मैं कह देती हूँ, जीते जी ना टलूंगी, ना तुम्हें छोड़ूंगी। तुम भी मुझसे भाग कर नहीं जा सकते। किसी तरह ना जाने दूंगी, जहाँ जाओगे मैं भी चलूंगी, तुम्हारे गले का हार बनी रहूंगी। यह कहते कहते उसने विनय का हाथ छोड़ दिए और उनके गले में बाहें डाल दी। विनय को ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैर उखड़ रहे हैं और मैं लहरों में बहा जा रहा हूं। एक विचित्र आशंका से उनका हृदय कांप उठा, मानो उन्होंने खेल में सिंहनी को जगा दिया हो। उन्होंने अज्ञात भाव से सोफी के कर पाश को अपने से मुक्त कर दिया और बोले, सोफी। सोफी चौंक पड़ी, मानो निद्रा में हो, फिर उठकर बैठ गई और बोली, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व जन्म में उससे पहले भी आदि से तुम्हारी हूं। कुछ स्वप्न सा याद आता है कि हम और तुम नदी के किनारे एक झोपड़े में रहते थे। सच? विनय ने शशंक होकर कहा, तुम्हारा जी कैसा है?
सोफी, मुझे कुछ हो रही है, मैं तो अपने पूर्व जन्म की बात याद कर रही हूँ। मुझे ऐसा याद आता है कि तुम मुझे झोपड़ी में अकेले छोड़कर अपनी नाव पर कहीं प्रदेश चले गए और मैं नित्य नदी के तीर बैठी तुम्हारी राह देखती थी, पर तुम न आते थे। विनय, सोफिया, मुझे भय हो रहा है कि तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। सोफी, मेरा तो आज यहाँ से जाने का जी नहीं चाहता, क्या तुम्हें नींद आ रही है? तो सो, मैं बैठी हूँ, जब तुम सो जाओगे मैं चली जाऊंगी। एक क्षण बाद फिर बोली, मुझे न जाने क्यों संशय हो रहा है कि तुम मुझे छोड़ जाओगे। विनय, सोफी, अब हम अनंत काल तक अलग ना होंगे। सोफी, तुम इतने निर्दय नहीं हो, मैं जानती हूं, मैं रानी जी से ना डरूंगी, साफ साफ कह दूंगी विनय मेरे हैं। विनय की दशा उस भूखे आदमी की सी थी जिसके सामने परसी थाली रखी हुई हो, क्षुधा से चित्त व्याकुल हो रहा हो, आते सिकुड़ी जाती हो, आंखों में अंधेरा छा रहा हो, मगर थाली में हाथ न डाल सकता हो, इसीलिए कि पहले किसी देवता का भोग लगना है। उन्हें अब इसमें कोई संदेह न रहा कि सोफी की व्याकुलता उसी क्रिया का फल है। उन्हें विस्मय होता था कि उस जड़ी में कौन सी शक्ति है। वो अपने कृत्य पर लज्जित थे और सबसे अधिक भयभीत थे, आत्मा से नहीं, परमात्मा से नहीं, सोफी से। जब सोफी को ज्ञात हो जाएगा, कभी कभी तो यह नशा उतरेगा ही, तब वह मुझसे इसका कारण पूछेगी और मैं छिपा न सकूंगा। उस समय वह मुझसे क्या कहेगी? आखिर जब अंगीठी की आग ठंडी हो गई और सोफी को सर्दी मालूम होने लगी तो सोफी चली गई। क्रिया का समय भी आ पहुंचा, लेकिन आज विनय को साहस न हुआ। उन्हें उसकी परीक्षा ही करनी थी, परीक्षा हो गई और तांत्रिक साधनों पर उन्हें हमेशा के लिए श्रद्धा हो गई। सोफिया को चारपाई पर लेटते ही भ्रम हुआ कि रानी जानवी सामने खड़ी ताक रही है। उसने कंबल से सिर निकालकर देखा और तब अपनी मानसिक दुर्बलता पर झुंझलाकर सोचने लगी, आजकल मुझे क्या हो गया है? मुझे क्यों भांति भांति के संशय होते रहते हैं? क्यों नित्य अनिष्ट शंका हृदय पर छाई हुई रहती है, जैसे मैं विचारहीन सी हो गई हूं? विनय आजकल क्यों मुझसे खींचे खींचे रहते हैं? कदाचित वह डरे हैं कि रानी जी कहीं उन्हें शाप न दे दे अथवा आत्मघात न कर ले। इनकी बातों में पहले की सी उत्सुकता प्रेमातुरता नहीं है। रानी मेरे जीवन का सर्वनाश किए देती है। इन्हीं अशांति में विचारों में डूबी हुई वह सो गई तो देखती क्या है कि वास्तव में रानी जी मेरे सामने खड़ी क्रोधोन्मत्त नेत्रों से ताक रही हैं और कह रही हैं, विनय मेरा है, वह मेरा पुत्र है, उसे मैंने जन्म दिया है, उसे मैंने पाला है, तू क्यों उसे मेरे हाथों से छीन लेती है? अगर तूने मुझसे उसे छीना, मेरे कुल को कलंकित किया, तो मैं तुम दोनों का इस तलवार से वध कर दूंगी। सोफी तलवार की चमक देखकर घबरा गई, चिल्ला उठी, नींद टूट गई, उसकी सारी देह तृणवत कांप रही थी। वह दिल मजबूत करके उठी और विनय सिंह की कोठरी में जाकर उसके सीने से चिपट गई। विनय की आंखें लग रही थी, चौंक कर सिर उठाया। सोफी, विनय, विनय जागो, मैं डर रही हूं। विनय तुरंत चारपाई से उतरकर खड़े हो गए और पूछा, क्या है सोफी? सोफी, रानी जी को अभी अभी मैंने अपने कमरे में देखा, अभी वहीं खड़ी हैं। विनय, सोफी शांत हो जाओ, तुमने कोई स्वप्न देखा है? डरने की कोई बात नहीं। सोफी, स्वप्न नहीं था विनय, मैंने रानी जी को प्रत्यक्ष देखा। विनय, वह यहां कैसे आ जाएंगी, हवा तो नहीं है? सोफी, तुम इन बातों को नहीं जानते विनय, प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं, एक स्थूल एक दूसरा सूक्ष्म, दोनों अनुरूप होते हैं, अंतर केवल इतना है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल में कहीं सूक्ष्म होता है, वह साधारण दशाओं में अदृश्य है, लेकिन समाधि या निद्रावस्था में स्थूल शरीर का स्थानापन्न हो बन जाता है। रानी जी का सूक्ष्म शरीर अवश्य यहाँ है। दोनों ने बैठ कर रात काटी। सोफिया को अब विनय के बिना क्षण भर भी चैन नहीं आता। उसे केवल मानसिक अशांति ना थी, ऐन्द्रिक सुख भोग के लिए भी उत्कंठित रहती। जिन विषयों की कल्पना मात्र से उसे अरुचि थी, जिन बातों को याद करके
ही उसके मुख पर लालिमा छा जाती थी, वे कल्पनाएं और वे ही भावनाएं अब नित्य उसके चित्त पर आच्छादित रहती। उसे अपनी वासना लिप्सा पर आश्चर्य होता था, किंतु जब वह विलास कल्पना करते करते उस क्षेत्र में प्रविष्ट होती जो दाम्पत्य जीवन के लिए ही नियंत्रित है, तो रानी जी की वही क्रोध तेजपूर्ण मूर्ति उसके सम्मुख खड़ी हो जाती और वह चौंक कर कमरे से निकल भागती। इस भांति उसने 10-12 दिन काटे। कृपान के नीचे खड़े अभियोगी की दशा भी इतनी चिंताजनक न होगी। एक दिन वह घबराई हुई विनय के पास आई, बोली, विनय, मैं बनारस जाऊंगी, मैं बड़े संकट में हूं। रानी जी मुझे यहां चैन न लेने देंगी, अगर यहां रही तो शायद जीवन के हाथ धोने पड़े। मुझ पर अवश्य कोई न कोई अनुष्ठान किया गया है, मैं इतनी अव्यवस्थित चित्त कभी न थी। मुझे स्वयं ऐसा मालूम होता है अब मैं वह हूं ही नहीं, कोई और ही हूं। मैं जाकर रानी जी के पैरों पर गिरूंगी, उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊंगी और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें प्राप्त करूंगी। उनकी इच्छा के बगैर मैं तुम्हें नहीं पा सकती, और जबरदस्ती ले लूं तो कुशल से ना बीतेगी। विनय, मुझे स्वप्न में भी आशंका न थी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी अधीर हो जाऊंगी। मेरा हृदय कभी इतना दुर्बल और इतना मोहग्रस्त न था। विनय ने चिंतित होकर कहा, सोफी, मुझे आशा है कि थोड़े दिनों में तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। सोफी, नहीं विनय, कदापि नहीं। रानी जी ने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बलि कर रखा है। बलि जीवन का उपभोग अनिष्टकारक होता है, मैं उनसे भिक्षा मांगूंगी। विनय, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सोफी, नहीं नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें रानी जी के सामने न ले जाऊंगी, मुझे अकेले जाने दो। विनय, इस दशा में मैं तुम्हें अकेले कभी ना जाने दूंगा, अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें वहां छोड़कर वापस आ जाऊंगा। सोफी, वचन दो कि बिना मुझसे पूछे रानी जी के पास न जाओगे। विनय, हां सोफी, यह स्वीकार है, वचन देता हूं। सोफी, फिर भी दिल नहीं मानता, डर लगता है वहां तुम आवेश में आकर कहीं रानी जी के पास न चले जाओ। तुम यहीं क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें नित्य प्रति पत्र लिखा करूंगी और जल्द से जल्द लौट आऊंगी। विनय ने उसे तस्कीन देने के लिए अकेले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनका स्नेह सिंचित हृदय यह कब मान सकता था कि सोफिया इस अवस्थित दशा में इतनी लंबी यात्रा करे। सोचा, उसकी निगाह बचाकर किसी दूसरे डब्बे में बैठ जाऊंगा। उन्हें लौट कर आने की बहुत कम आशा थी। भीलों ने सुना तो भांति भांति के उपहार लेकर विदा करने आए, मृग चर्मों, बखनखों और नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का ढेर लग गया। एक भील ने धनुष भेंट किया। सोफी और विनय दोनों ही को इस स्थान से प्रेम हो गया था। निवासियों का सरल स्वाभाविक निष्कपट जीवन उन्हें ऐसा भा गया था कि उन लोगों को छोड़कर जाते हुए हार्दिक वेदना होती थी। भीलगण रो रहे थे और कह रहे थे, जल्द आना, हमें भूल न जाना। बुढ़िया भीलनी तो उन्हें छोड़ती ही न थी। सब के सब स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आए, लेकिन जब गाड़ी आई और वह बैठी, विनय से विदा होने का समय आया तो विनय के गले लिपट कर रोने लगी। विनय चाहते थे कि निकल जाएं और वह किसी दूसरे डब्बे में जा बैठे, पर वह उन्हें छोड़ती ही न थी। मानो यह अंतिम वियोग है। जब गाड़ी ने सीटी दी तो वह हृदय वेदना से विकल होकर बोली, विनय, मुझसे इतने दिनों कैसे रहा जाएगा, रो रो कर मर जाऊंगी, ईश्वर मैं क्या करूं। विनय, सोफी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सोफी, नहीं नहीं, ईश्वर के लिए नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। विनय गाड़ी में आकर बैठ गए, गाड़ी रवाना हो गई। जरा देर बाद सोफिया ने कहा, तुम ना आते तो मैं शायद घर तक न पहुंचती। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि प्राण निकले जा रहे हैं। सच बताना विनय, तुमने मुझ पर मोहिनी तो नहीं डाल दी, मैं इतनी अधीर क्यों हो रही हूं। विनय ने लज्जित होकर कहा, क्या जाने सोफी, मैंने एक क्रिया तो की है, नहीं कह सकता कि वह मोहिनी थी या कुछ और। सोफी, सच? विनय, हां बिल्कुल सच। मैं तुम्हारी प्रेम शिथिलता से डर गया था कि कहीं तुम मुझे फिर से न परीक्षा में डाल दो। सोफी ने विनय की गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, तुम बड़े छलिया हो, अपना जादू उतार लो, मुझे क्यों डर पा रहे हो। विनय,
क्या कहूं, उतारना नहीं सीखा, यही तो भूल हुई। सोफी, तो मुझे भी वही मंत्र क्यों नहीं सिखा देते? ना मैं उतार सकूंगी, ना तुम उतार सकोगे। फिर एक क्षण बाद बोली, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें संज्ञा ही न बनाऊंगी। दो में से एक को तो होश में रहना चाहिए, दोनों मनमत हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। अच्छा बताओ, कौन सी क्रिया की थी? विनय ने अपनी जेब से वह जरी निकालकर दिखाते हुए कहा, इसी की धुनी देता था। सोफी, जब मैं सो जाती थी तब? विनय ने सकुचाते हुए कहा, हां सोफी, तभी। सोफी, तुम बड़े ढीठ हो। अच्छा, अब यही जरी मुझे दे दो। तुम्हारा प्रेम शिथिल होते देखूंगी तो मैं भी यही क्रिया करूंगी। यह कहकर उसने वह जरी अपने पास रख ली। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, यह तो बताओ, वहां तुम रहोगे कहां? मैं रानी जी के पास तुम्हें ना जाने दूंगी। विनय, अब मेरा कोई मित्र नहीं रहा, सभी मुझसे असंतुष्ट होंगे, नायक राम के घर चला जाऊंगा। तुम वहीं आकर मुझसे मिल लिया करना, वह तो घर पहुंच ही गया होगा। सोफिया, कहीं जाकर कहना दे। विनय, नहीं, मंद बुद्धि है पर विश्वासघाती नहीं है। सोफिया, अच्छी बात है, देखें रानी जी से मुराद मिलती है या मौत। धन्यवाद।